तो ये तस्वीरें और ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जांजगीर से, जहां पराली जलाने के दौरान यहां पर यह घटना हुई है। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां साल भर की ये पूरी मेहनत थी, खेतों में रखी फसल में आग लगने से किसान को एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। जांजगीर थाना इलाके के गुदरी गांव का ये पूरा मामला है। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। पराली जलाने के दौरान खेत में आग लग गई और खेत में रखी फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर यह घटना हुई है। पीड़ित किसान ने अब मुआवजे की मांग की है। राजस्व विभाग को नुकसान के आकलन की जानकारी यहाँ पर दी गई है। जांजगीर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पराली जलाने के दौरान खेत में आग लग गई और खेत में रखी फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। चले राजकुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजकुमार, पराली जलाने के दौरान यहाँ पर ये घटना हुई है, लगातार किसानों को ये समझाया जाता है, लोगों को ये मना किया जाता है इस चीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की घटना निकल कर सामने आई है। कितना नुकसान यहाँ पर किसान को हुआ है? क्या किसी तरह की कोई मुआवजा देने की बात हुई है? क्या राहत पहुँचाने की बात हुई किसान को? देखिए संवाद, इस तरह की जो घटना है पराली जलाने की जांजगीर चांपा जिले में अक्सर सामने आती रही है, लेकिन आज जो घटना हुई है जांजगीर क्षेत्र के कुदरी गांव में, इसमें किसान को काफी नुकसान हुआ है। ये लंबोदर प्रसाद सुंदरी किसान है जिसका नाम है, और इस घटना में राजस्व अधिकारी को जानकारी दी गई है और किसान ने मांग की है कि इसमें मुआवजा दिया जाए। जो नुकसान का है वो अभी आकलन नहीं हुआ है, लेकिन किसान का कहना है कि जो खेत का पूरा धान है जिसको खरही बना के रखा गया था, उस खरही में पूरी आग लगी और इसके बाद से आगजनी से पूरा धान जल के राख हो गया है। इसमें एक जो आसपास के क्षेत्र में ये पराली में आग लगाई गई थी, जिसके बाद से धीरे धीरे ये आग है वो जो खेत में खड़ी रखी थी वहां तक पहुंची, और इसके बाद किसान को जब सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचा, और किसान का इस घटना के बाद रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि साल भर की एक किसान की मेहनत की कमाई थी जो आग में जल करके ये नष्ट हो गया है। तो फिलहाल अभी राजस्व अधिकारियों ने इसमें आकलन और इसके बाद से जो आगे की प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई करने की बात कही है, और इसमें किसान का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने पराली जलाई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। और तो ये काफी गंभीर मामला है, लगातार जिले में पराली जलाने की समस्या है। प्रशासन के द्वारा जागरूकता की बात होती है और जागरूकता किसानों तक ये बात पहुंचाई जाती है, लेकिन ये पराली जलाने की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आज ये किसान को काफी नुकसान हुआ है। जी श्रमण, राजकुमार, क्या किसी तरह का कोई मामला दर्ज किया गया है अभी तक इस पूरे मामले में? देखिए, किसान ने घटना के बाद से इस घटना की जानकारी राजस्व अधिकारियों को और स्थानीय जो प्रशासन है उनको दे दी है, और इस मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई की बात की है, मुआवजे की कार्रवाई की बात कही है, और इस मामले में जांच के बाद जिन लोगों ने पराली जलाई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल जिन लोगों ने ये पराली जलाई है ये जांच का विषय है, क्योंकि बड़े जो क्षेत्र है वो उन खेतों पे आग लगी है, लेकिन अन्य जो खेत है वो खाली होने की वजह से उसमें फसल की कटाई हो गई थी, जिसकी वजह से उन खेतों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस जो किसान है लंबोदर प्रसाद सुंदरी उनके खेत पर धान की खरी रखी हुई थी जिसमें ये काफी नुकसान हुआ है आग की वजह से। और इस किसान की तस्वीरों में साफ जो किसान का हाल देखा जा सकता है कि किस तरह से वो परेशान है और ये जो मेहनत कमाई है उसके नुकसान होने से। बिल्कुल राजकुमार, ये समझा जा सकता है, इन किसानों का दर्द समझा जा सकता है, किसान का दर्द समझा जा सकता है कि साल भर की यह मेहनत थी जिस पर आग लगी है, अब निश्चित रूप से शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पर राहत की उम्मीद इस किसान को होगी, और देखना होगा कि इस पूरे मामले में सबसे पहले तो किस तरह की जांच आगे होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है, और इस किसान को किस तरह की राहत यहाँ पर पहुंचाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसी साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते